आज हम आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं स्प्रिंग रोल, लेकिन वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो आइए स्प्रिंग रोल बनाना शुरू करते हैं। स्प्रिंग रोल बनाने के लिए हमने छोटी पत्ता गोभी, 2 शिमला मिर्च और 4 गाजर लिए और 3 बॉयल अंडे और सबको हमने बारीक बारीक काट लिया। डेढ़ चम्मच हमने कुटी हुई काली मिर्च ली थी जिसे हमने दरदरा कूट लिया है और हमने चिकन ली है। आप जितनी चिकन लेना चाहते हैं आप उतनी चिकन ले सकते हैं। हमने इसमें डाला है तकरीबन 1 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ ही आधी चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा कुटी हुई लाल मिर्च। अब हम इसमें डालेंगे नमक हसब ज़ायका, साथ में डालेंगे कुटी हुई काली मिर्च आधी चम्मच के करीब और सोया सॉस 2 बड़े चम्मच। अब ये डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसे हाफ आवर के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। बॉयल एग में हम थोड़ी सी काली मिर्चें डाल देंगे और इसे मिक्स करके रख देंगे। ऑयल लिया है हमने तकरीबन 1.5 कप घी के करीब, इसमें हम चिकन डाल के चिकन को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे और दूसरी तरफ हम वेजिटेबल्स को फ्राई कर लेंगे। मैंने पैन में तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाला है, इसमें सारी वेजिटेबल्स डाल दी हैं। अब इसमें डालेंगे 1 चिकन क्यूब, साथ ही इसमें डालेंगे आधी चम्मच के करीब अजीनोमोटो। और कुटी हुई काली मिर्च 2 पिंच और साथ में 1.5 चम्मच के करीब सोया सॉस। और सब्जियों को अच्छे से फ्राई करना है लेकिन सब्जियों को कच्चे रहने देना है, आपने ज़्यादा पकाना नहीं है। और ये देखिए दूसरी तरफ मैं चिकन को भी फ्राई कर रही हूँ और चिकन को मैं ढक दूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए ताकि अच्छे से गल जाए। और ये देखिए सब्जियों में हल्का हल्का पानी है तो ये पानी खुश्क कर लेना है आपने तेज़ आँच पर। ये देखिए पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और दूसरी तरफ चिकन भी तकरीबन रेडी है जो हमने तेज़ आँच करके थोड़ा सा फ्राई कर लिया। अब इसमें हम सारी वेजिटेबल्स डाल देंगे। वेजिटेबल्स डाल के अब इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो हमने एग बॉईल करके रखा था वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे और ये रोल की फिलिंग रेडी है। ये है रोल पट्टी जिसे हमने बारीक बारीक काट लिया है, 2 अंडे जिसे हमने फेंट लिया है और ये हैं ब्रेड क्रम्स। और ये रही पट्टी हमने बाज़ार से ली है, आप लोग भी बाज़ार से ले सकते हैं क्योंकि टाइम कम होता है। तो आपने रखनी है पट्टी, उसके ऊपर आपने डालनी है फिलिंग जो अपना तैयार करके रखी है। अब हमने सेंटर में कर लिए फिलिंग को और दोनों साइड के जो कोने हैं ना इनको जोड़ना है आपस में, फिर जो ऊपर वाला कोना है उसको ला के आपने फोल्ड करना स्टार्ट कर देना है। ये देखिए इसके बाद जो हमने आटे की लई तैयार करके रखी है उससे हमने इसे बंद कर देना है। तो आटे की जो लई होती है वो बहुत ही अच्छी होती है बाइंडिंग के लिए। आप आटा लें उसमें पानी डालें लेकिन गाढ़ा गाढ़ा से एक पेस्ट तैयार कर लें, उससे आप इसकी बाइंडिंग कर सकते हैं। अगर आपने पट्टियाँ घर पे बनानी है तो वो भी आप तैयार कर सकते हैं, हमने पहले वीडियो में बनाया था, मैं लिंक शेयर कर दूँगी। अब हम रोल तैयार करेंगे 3 डिफरेंट तरीक़ों से। और ये देखिए सबसे पहले अच्छे से अंडा लगाना है रोल पर। अंडा लगाने के बाद ये जो लच्छा तैयार किया है ये अच्छे से रोल पर लगा देना आपने ताकि जब ये चिपक जाए ना उसके बाद आप इसे फ्राई करने के लिए कढ़ाई में डाल दें। अच्छे से आपने इसे चिपका लेना और ये देखिए अब इसे आप कढ़ाई में डाल दें जब तेल गर्म हो चुका हो। और अब इसे फ्राई कर लें। ये देखिए रोल तैयार हो चुके हैं, अब हम ये रोल निकाल लेंगे। अब मैं आपको दूसरे तरीके से रोल तैयार करना सिखाती हूँ। अब ये देखिए आपने रोल को अंडे में डिप करना है और ब्रेड क्रम्स लगा देना इसके ऊपर। अच्छे से आपने कोट कर देना है ब्रेड क्रम्स से रोल को और अब आप इसे फ्राई करने के लिए डाल दें कढ़ाई में।
और अब हम तैयार कर लेंगे ये सिंपल रोल। और ये देखिए, ये भी बिल्कुल रेडी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की आपको अपडेट मिलती रहे।